तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि कब तक चलेगी टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी और जिस तरह से वो प्लान आपको देती है उसी प्राइस में वो एक दूसरे ग्राहक को भी एक बेटर प्लान मुहैया करा रही है और इस बारे में किसी तरह की कोई पारदर्शिता यहाँ पर नहीं है। हालांकि यहाँ पर राजन मैथ्यूज का ये कहना है कि एंड ऑफ द डे फायदा ग्राहक का ही हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इस पर और काम करने की भी जरूरत है। मेरे साथ मनोज गरोला साहब भी स्टूडियो में मौजूद है और मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी है। असीम, आखिर रेगुलेटर इस पूरे ही मुद्दे पर क्या कुछ कर रही है, इस पर भी एक बार नजर डालने की जरूरत है। क्या कुछ रेगुलेटर यहां पर कर रही है? देखिए, जहां तक मैं टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई की बात करूं तो टीआरआई ने भी हाल में ही एक चिट्ठी जो है मोबाइल उपभोक्ताओं को लिखी और कहा कि आप डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ जो है वो उपभोक्ताओं को जो है नहीं दे सकते हैं, आप अलग अलग प्लान जो है वो ऑफर नहीं कर सकते हैं, आप एक को एक जैसे प्लान जो है वो ही ऑफर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ टीआरआई ने कंसल्टेशन जो है वो भी शुरू कर दिया था। कंसल्टेशन में ट्राई ने चार चीजों पर इन प्रिंसिपल जो है वो कहा गया कि इन प्रिंसिपल जो टैरिफ प्लान है इनको इसके ऊपर जो है खरा उतरना पड़ेगा। पहला कि जो कंपनियों को ट्रांसपेरेंट प्लान जो है वो रखने पड़ेंगे, दूसरा कि उनको प्लान जो है डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो नहीं होगा, सभी को उपभोक्ताओं को एक समान अवसर जो है वो दिया जाएगा, तीसरा कि टैरिफ जो है वो आईयूसी कंप्लाइंट होगा यानी कि इंटरनेट कनेक्ट यूजेज चार्जेस जो है उसको देने होंगे, और चौथा या आखिरी जो है वो उसके हिसाब से ये होगा कि आपको जो है प्रीडेटरी टैरिफ जो है आप नहीं दे सकते, प्रीडेटरी टैरिफ भी तय किया जाएगा। प्रीडेटरी टैरिफ क्या है और मार्केट जो है उसकी कंडीशन जो है वो क्या है उसको देखते हुए सारी चीजें जो है वो तय की जाएंगी और अगले 30 दिन के अंदर ट्राई जो है नई गाइडलाइंस लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो अगले 30 दिन में गाइडलाइंस यहाँ पर आएगी। और मिस्टर मैथ्यूज, मेरा सवाल अब आपसे ये है, जैसा कि असीम भी यहाँ पर कह रहे थे कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से यहाँ पर कहा है कि आप किसी तरह का कोई भेदभाव मत कीजिए और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं यहाँ पर कि आप टैरिफ जो है सबके लिए बराबर रखिए, अगले 7 दिनों में हमें जो भी आपके प्लान है उस पर हमें इत्तला कीजिए, हमें बताइए उसके बारे में, इस पर आपका क्या कुछ कहना है सर? So that issue did come up, and the point we made was that is the existing order, and that has been there for quite a while. And so the discussion paper was, should we change and modify these criteria that are used so that going forward, we should adopt a different methodology for this? And I think this is the context of saying, look, there is new customers, there's existing customers, there's discounts that are offered to existing customers, which should be treated differently to offers to new customers. So I think the TRAI will look at that and see going forward, is there a need to change the existing order, which was the last one that came a few days ago. मनोज, एक बात यहाँ पर सामने ये आती है कि आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है। जब हम बाजार में कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो एक ही सामान आपको 5 अलग अलग दुकानों पर मिलता है और आज का कंज्यूमर जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसे समझ में आता है कि उसे क्या चीज़ लेनी है, कितने दाम उसके लिए खर्च करने हैं। और शायद आज की डेट में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ भी कंज्यूमर यही कर रहा है, तो किस तरह की जो बार्गेनिंग यहाँ पर हो रही है प्लान्स को लेकर, आखिर उसमें गलत क्या है? वो किसी भी तरह से गलत नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिसकी जितनी बार्गेनिंग कैपेसिटी है एक टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ वो इसी तरह से काम करता है। नहीं, यहाँ जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि ऑपरेटर एक पर्टिकुलर एक जो प्लान है वो प्लान कस्टमर के साथ बार्गेन कर रहा है। ये ट्राई का कहना ये है या जो टैरिफ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो कस्टमर जो ऑपरेटर बार्गेन कर रहा है या कोई टैरिफ लेके आता है वो सारे के सारे कस्टमर को एक साथ वही टैरिफ उसको ऑफर करना है। तो यहाँ समस्या ये आ रही है कि अब कस्टमर इंडिविजुअली कस्टमर ऑपरेटर के साथ बार्गेन कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपका एक प्लान है कि 300 रुपये में आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा जी, लेट अस अज्यूम। तो अब कस्टमर ऑपरेटर को बोलता है कि नहीं साहब, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को तो इससे भी अच्छा प्लान चाहिए। तो जनरली ऑपरेटर क्या करता है कि या तो उस प्लान को 300 रुपये से थोड़ा कम कर देगा या फिर जो भी उसका डेटा है उसमें उससे ज़्यादा डेटा वो करेगा, ऑफर करेगा। तो ट्राई चाहता है कि ये जो बार्गेन इंडिविजुअल कस्टमर और ऑपरेटर के बीच में हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, अहमदाबाद से हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने एक सवाल पूछा है यहाँ पर। जी पूछिए अपना सवाल। आजकल हर चीज में कंपटीशन है, कंज्यूमर सभी चीजों में मोल भाव चाहता है, तो अगर सस्ते प्लान के लिए अगर वो बार्गेनिंग करता है तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल इसी पर हमने बात की यहाँ पर। और मनोज, एक बात यहाँ पर ये भी है कि
इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। आज हम प्राइस वॉर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आप किस तरह से कॉल ड्रॉप जैसी समस्या जो है उससे यूज़र काफ़ी परेशान है और हर चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन है, तो क्या इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है मेन फोकस आज की डेट पे उस क्वालिटी ऑफ सर्विस पे हो तो काफ़ी ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि जियो के आने के बाद टैरिफ तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। और तो अभी ट्राई को बेसिक ट्राई का जो एक काम ये भी है, ये देखना कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है और इंडस्ट्री की जो ओवरऑल हेल्थ है वो कैसी है। तो अगर आप देखेंगे तो ट्राई के जो भी डिसीजन है पिछले 6 महीने के, उसमें ऐसे नहीं लगता कि ट्राई ने क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए कुछ काम किया हो, या फिर क्वालिटी या फिर ट्राई ने इंडस्ट्री की ओवरऑल हेल्थ के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया हो। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ट्राई को टैरिफ के साथ साथ इन बाकी जो दो मुद्दे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस और ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री, उन दोनों मुद्दों की तरफ भी ट्राई को काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए, करने की जरूरत है। ठीक है मिस्टर मैथ्यूज, मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि नए टैरिफ प्लान से आखिर टेलीकॉम कंपनियों पर किस तरह का असर हुआ है? I think what we have seen over the last 9 months or so is a significant discounting, significant reductions in pricing, both on data, voice almost being given away for free. There has been a significant activity in the marketplace, principally as a result of the entry by a new entrant into the marketplace. Clearly, the consumer has benefited. Clearly, there have been benefits to the overall market. But I think as an industry, this is clearly not sustainable, as we've seen. Just about everybody has lost money, including Reliance Jio. So everybody needs to understand that going forward, more rational tariff structure has to emerge if companies are going to find the necessary investments and the foreign attractiveness for this industry to be able to make investments in network and quality of service. जी जी मिस्टर मैथ्यूज, एक और बात जो सामने आई है वो ये कि जब आप किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करते हैं, आपके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट होती है यहाँ पर टैरिफ प्लान्स की, जिसे सुनकर या पढ़कर कोई कंफ्यूज भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जो टैरिफ प्लान्स हैं इनकी संख्या कम होनी चाहिए? 25, 30, 40 टैरिफ प्लान्स होते हैं, एक तरह से कैपिंग हो जानी चाहिए इसके ऊपर भी? I think 25 was as a result of input on a previous discussion paper. Previously, there was a lot more. And I think the TRAI reduced it to 25. I think 25 is very manageable. And I think one of the things that we are seeing is that there are many online applications which are willing to compare various price points and plans offered by the various operators and see and inform the customer as to what is perhaps the best. So I think 25 is reasonable. The question is on the discount plans, those are the issues, but I think overall we have 1.1 million connections, so clearly customers felt that they had adequate information to be able to make choices. Bilkul. Thank you so much Mr. Matthews, aapka hamare sath judne ke liye. Manoj, aapka bhi bahut bahut shukriya, and thank you so much Aseem, aapka bhi hamare sath yahan par judne ke liye. To try ne halanki agle 7 dino mein tamam telecom operators ko kaha hai ki aapke jitne bhi plans hain unki puri information hame de dijiye, aur 30 dino mein try yahan par saaf kar dega टैरिफ प्लान को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे, क्योंकि वो चाहता है कि इस पूरे ही सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यहां पर आए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।